बताइए क्या ट्रिक था। ट्रिक एक बार और मैं लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन और इसमें करवा दे रहा हूँ। ट्रिक क्या था? ट्रिक था कि डे जितना टाइम लगेगा अब अट्टा में, ठीक है, आदमी एंड वाला मतलब और वाला जो प्लस के पास रहता है, अब अट्टा आदमी और वाला, आदमी के क्या वाला और वाला, फिर क्या करेंगे प्लस महिला किस वाला एंड वाला अब अट्टा में महिला और महिला क्या वाला और वाला, ठीक है। और फिर अगर लड़का रहता तो लड़का देते थे एंड वाला बट्टा लड़का और वाला, लड़का और वाला, ठीक है। आप इस पे क्वेश्चन कीजिएगा तो कर लीजिए। देखिए इसको फिर से समझा देते हैं। तीन में और का मतलब हुआ या, तीन मैन या फोर वुमेन, ठीक है, इसी को और बोलते हैं। कितने दिनों में? 43 दिनों में। आपसे पूछ रहा है कि सेवन मैन प्लस फाइव वुमेन में कितने दिन, ठीक है। क्या बताया हमने आपको कि डेट लिख लीजिए, दिन पूरा कितना 43 बट्टा आदमी और वाला, और मतलब प्लस वाला, तो कितना है 7, आदमी या वाला 3 जोड़ महिला और वाला 5 महिला एंड वाला 4 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा 43 और बट्टा में 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 7 4 28 और 5 3 15 43, यह पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 43 गुना 12 बट्टा 43, वैसे भी आंसर क्या जाएगा 12 डिजिट आंसर आएगा, ठीक है। 10 फरमाया। चलिए और इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप उसको देखना है। आप और क्वेश्चन कर पाएंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है उससे। देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, अलग हटके लगाऊंगे, ठीक है, आपको करना है। कहता है कि क्वेश्चन है कि अब तीन वाला देख लेते हैं। कहता है कि दो मैन या तीन वुमेन या सेवन या फोर बॉय, ठीक है, वन मैन, लिखता है टू मैन, वन मैन या यहाँ पे लिखा हुआ है वन मैन या दो वुमेन या तीन बॉय, ठीक है, किसी काम को 44 दिनों में करते, कितने दिनों में 44 दिनों में। तो आपसे पूछ रहा है कि एक मैन एक वुमेन और एक बॉय किसी काम को कितने दिनों में, ये तीन वाला पेयर हो गया, कुछ नहीं करना है आपको, बस ऐसा ही करना है, एक मैन बराबर दो वुमेन बराबर थ्री बॉय है। तो याद होगा रेशियो का, यह रेशियो में हमने आपको बताया था कि अगर ऐसे रहेगा कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो रेशियो कैसे निकालते हैं बताइए, इसको ढक लीजिएगा इस दोनों को मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा, फिर इसको ढक लेंगे इस दोनों को मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे इसको ढक लेंगे इस दोनों को मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, काटना चाहें तो 2 6 12 2 6 8 और 2 3 6 ऐसा आता था। आपको यहाँ भी क्या करना है कि इसका रेशियो निकालना है, ठीक है, तो इसके इसके काम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका रेशियो अगर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, इसको ढकेंगे द्वितीय 6, ठीक है, फिर इसको ढकिए 3 1 3, फिर इसको ढकेंगे 2 1 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा अब देखिए क्या करेंगे, तो अब काम निकाल लेते हैं किसी का एक आदमी के लिए, तो एक मैन कितने दिनों में 44 दिनों में, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक मैन, तो एक मैन प्लस एक वुमेन प्लस एक बॉय कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा, ठीक है, तो इसको डी मान लेते हैं, ठीक। अब बताइए कि एक मैन, तो
एक गुना छ हो जाएगा, मैन का कितना है, छ है, ठीक है। हाँ, और गुना 44 हो जाएगा, इधर से एक मैन, एक मैन का कितना है, छ। एक वुमेन, वुमेन का कितना है, तीन। एक बॉय, बॉय का दो, ठीक है, क्षमता कितना है, दो, और ये टी, कोई दिक्कत। तो बताइए कि 6 × 44 बराबर कितना आ जाएगा, 6 × 3 = 9 = 11 गुना टी हो जाएगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 11 × 44 = 24 आ जाएगा, ठीक है। आप ट्रिक पे खुद आपको बनाना है और आंसर मिलाना है, ठीक है, ट्रिक पे खुद आपको बनाना है, ट्रिक हमने अभी तुरंत बताया है उस पर। चलिए अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भी देखिए कहता है कि दो मैन, मैं या को ऐसे लिख दे रहा हूँ, दो मैन या तीन वोमैन या चार बॉय, ठीक है, 3/7 काम को, ठीक ना, 3/7 भाग को क्या करते हैं कि 46 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में, 46 दिन। क्वेश्चन समझिए, दो मैन या थ्री वुमेन या फोर, मतलब दो आदमी तीन महिला या तीन महिला या चार आदमी चार लड़का, दो आदमी तीन महिला या चार लड़का किसी काम के 3/7 भाग को 46 दिनों में करता है, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि, तो एक मैन पूछ रहा है कि एक मैन जो दो वुमेन जो तीन बॉय 3/4 भाग को, 3/4 भाग को कितने दिनों में करेगा, भाग को कितने दिनों में, भाग को कितने दिनों में। क्वेश्चन आपने समझा, क्या कह रहा है कि दो मैन या तीन वुमेन या फोर बॉय, मतलब दो आदमी या तीन औरत या चार लड़का किसी काम के 3/7 भाग को क्या करता है, 46 दिनों में करता है। तो एक मैन, दो वुमेन और तीन बॉय 3/4 भाग को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। बताइए अभी हमने आपको तुरंत बताया है कि क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, टू मैन थ्री वुमैन सभी के बराबर कैसे निकालेंगे बताइए, 3×12 इसको ढक देंगे, अब इसको ढकेंगे, 4×8 इसको ढकेंगे, द्वितीय 6 काटना चाहे तो 2×6 = 12, 2×8 और द्वितीय 6, 2 से अगर काट दे तो, ठीक है, 2 से काट दे तो ऐसा आ जाएगा। तो बताइए काम कितना हो जाएगा, दो मैन, ठीक है, अगुना 46 डे, ठीक है, और कितना काम किया है, 3/7, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ा है। और ये देखिए M1 × D1 और ये W1 काम कर रहा है, 3/7 काम भी तो कर रहा है। तो कह रहा है आपसे कि एक वुमेन, एक मैन प्लस में है दो वुमेन प्लस में है थ्री बॉय, कह रहा है कि कितने दिनों में, दिन तो मुझे पता नहीं, कितने दिनों में कितना काम करेगा, 3/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से मैं आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो दो मैन के जगह पे कितना है, मैन है 6 और गुना 46 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 3/7 बराबर क्या हो जाएगा, एक मैन, तो 6 और जोड़ दो वो मैन, देखिए दो वो मैन है तो 2×8 और जोड़ 3 बॉय, 3×3 = 9 हो जाएगा, और गुना डी और बट्टा में क्या आ जाएगा, 3/4, ठीक है। तो देखिए 2×6×46 और ये थर्ड नंबर पर के ऊपर गुना 7 और बट्टा में 3 बराबर 8×6 = 14 और 9 = 23 गुना डी और ये भी पलट के ऊपर गुना 4/3, ऐसे ये खत्म हो जाएगा, 23×46 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 6×12×24×7 और इधर से क्या बचा है, D×4, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 24×7 और बट्टा में 4×6 = 24 मतलब कितना दिन, 42 ठीक है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको मिल पा रहा है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम एंड वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड वे बेस्ट टाइप जो एंड वाला नेक्स्ट आप ऐसे कॉन्फ्लिक्ट दोनों से बनाना सीखिए, ठीक है।